हाय तो यार आप जब पॉडकास्ट कर रहे हो एंड आप इतनी मेहनत कर रहे हो एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो पॉडकास्ट बनाने में अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं अपना पॉडकास्ट कब मोनिटाइज कर सकता हूँ बिकॉज ऐसा कोई स्टेटिस्टिक्स या ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं पूरी दुनिया में पॉडकास्टिंग में यूट्यूब में आपको पता है हज़ार सब्सक्राइबर्स चार हज़ार पब्लिक रिव्यूइंग आज एंड आपका चैनल मोनीटाइज हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस पॉडकास्ट में क्या hmm, कोई क्लू नहीं है सो so वेल well, इसका आंसर भी सिंपल सा है आप अपना पॉडकास्ट करने को फर्स्ट डे से भी मोनीटाइज कर सकते हो और आप अपना पॉडकास्ट करने को कुछ टाइम बाद अब कुछ टाइम एक महीना दो महीना तीन महीना साल दो साल भी हो सकता है जिसके बाद आप पॉडकास्ट मोनीटाइज कर सकते हो सिंस हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम टाइम से कुछ चीज़ समझते हैं यहाँ पे ठीक है पॉडकास्टिंग एक तरीके से एक पर्सनल ब्रांड भी होता है या पॉडकास्टिंग अगर किसी बिजनेस का है तो वो बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन भी होता है अब हम पॉडकास्ट मॉनिटाइजेशन की बात करें तो लेट्स कंसिडर दिस फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ अ पर्सनल ब्रांड कि आप एक ह्यूमन बींग हो आप अपना कॉन्टेंट डाल रहे हो आप एक कंपनी नहीं हो कहने का मतलब और आप अपना कॉन्टेंट डाल रहे हो जो किसी एक्सवाइजी नीच में है ठीक है तो अब आपके पास आता है कि मैं पॉडकास्ट कब मॉनिटाइज कर सकता हूँ अब यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं लेट्स से आप एक ऑलरेडी फेमस पर्सनालिटी हो फेमस पर्सनालिटी से मेरा मतलब हुआ कि आपके पास इंस्टाग्राम पे ऑडियंस प्रेजेंट है आपके पास लिंक पर ऑडियंस प्रेजेंट है या फिर आपके पास यूट्यूब पर ऑडियंस प्रेजेंट है तो मैं बता रहा हूँ आप पहले दिन से भी पॉडकास्ट मोनिटाइज कर सकते हो ऑन द कॉन्ट्री आप शा, अगर फेमस पर्सनैलिटी नहीं हो आप फेमस बनना चाहते हो ठीक है एंड आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो एंड अब आप पूछते हो मैं पॉडकास्ट कम मॉनिटाइज कर सकता हूँ आप थोड़े टाइम बाद पॉडकास्ट मॉडिटाइज कर सकते हो वो थोड़े टाइम से मतलब मेरा हुआ प्रॉब्बली कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद पॉडकास्ट मॉनिटाइज में थोड़ा टाइम लगता है ये थोड़ी हार्श रियलिटी है लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पॉडकास्ट कभी मोनिटाइज नहीं होते नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं तो ऐसा मत सोचना प्लीज़ पॉडकास्ट मोडिटाइज होते हैं उसके तरीके होते हैं मोनिटाइज करने के ठीक है सो अभी हम सेकेंड वैंड सिचुएशन की बात करते हैं कि आप फेमस बनना चाहते हो तो आप कुछ महीने में कर सकते हो पॉडकास्ट को मोनिटाइज ठीक है और आपको कुछ इनिशियल टाइम के लिए हो सकता है कुछ पॉडकास्ट एपिसोड फ्री करने पड़े या फिर है ना उसके बाद आपका मोनिटाइजेशन शुरू हो अब अगला सवाल इस बात के आगे यही आता है कि ये मॉनिटाइजेशन होगा कैसे क्योंकि टाइम का आंसर यही है कि आप आज भी कर सकते हो आप कल भी कर सकते हो कैसे करोगे बात उस पर आती है अब उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी जो क्वेश्चन है ना मोनेटाइजेशन के आसपास कमेंट सेक्शन में डाल ज़रूर देना प्लीज़ क्योंकि आप डालोगे तो मुझे समझ में आएगा आपके पास प्रॉब्लम क्या है जब आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी मुझे तो मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँगा और जब मैं सोल्यूशन दूंगा आप ग्रो करोगे ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप ज़्यादा खुशी मुझको होगी तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना सब्सक्राइब तो कर ही देना ठीक है एंड तरीके पक्का बताऊंगा सो so याद रखना ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चर्स